रिजॉइस इन द लॉर्ड। सो ये खासियत है मसीही परिवारों में, मसीही जगत में और सच्चे विश्वासियों में, कि हम भले बाहर किसी कैसे भी हालात रहे, कैसे भी संकट में परिस्थिति क्यों ना रहे, पहाड़ जैसे हमारा यात्रा क्यों ना रहे, समुद्र के लठें जैसा हम पर प्रहार क्यों ना आए, हम खुश रहते हैं, आनंदित रहते हैं। ये आनंद और ये खुशी सभी लोग नहीं रह सकते। जो सच्चे परमेश्वर है, जो सच्चे परमेश्वर के सच्चे दास जो होते हैं, सच्चे शिष्य जो होते हैं, सच्चे चेले जो होते हैं, केवल उन्हीं को मालूम है कि ये परमात्मा का आनंद क्या होता है। अब अगर हम देखते हैं तो सारी दुनिया में एक संकटमय परिस्थिति है। जहां पे भी देखो, किसी से भी बातें करो, नकारात्मक बातें ही हमें सुनने मिलती है, कोई भी सकारात्मक बातें नहीं करता है। अगर हम कह देते हैं कि ब्रदर हमारे घर में मुझे बुखार हो गया है, मुझे सर्दी हो गया है, तो उसके जवाब में हमें एक भी सकारात्मक तरीके का जवाब नहीं मिलता है। हमें सबसे पहले तो इन दिनों में यही कहा जाता है कि ब्रदर या सिस्टर आप अपना ख्याल रखे, संभाल के रहे, हाँ मुझे भी ऐसा हो रहा था, हम भी इसी में से गुजर रहे थे, अरे फलाना डॉक्टर आप बहुत संभाल के रहिए, डॉक्टरों का कमी है, अस्पताल का कमी है, ऑक्सीजन का कमी है, फलाना 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 कह के जो व्यक्ति सही में पीड़ित नहीं है उसको पीड़ित बना देते। ये है बाहर वालों का रवैया, लेकिन एक सच्चे मसीह के, सच्चे दास, सच्चे बच्चे का रवैया कैसा होता है? एक ही बात है, आप ठीक हो जाओगे, हम प्रार्थना कर रहे हैं, बस यही जवाब होना चाहिए और यही आनंद है। आइए हम अपने अध्ययन की ओर चलते हैं। हमने पिछले कक्षाओं में देखा था कि प्रभु परमेश्वर जो है अय्यूब के मित्र के जरिए उनकी महानता जो है सृष्टि से बताते हैं। सृष्टि के जरिए प्रभु परमेश्वर अपनी महानता एलीहू अपना अय्यूब को बताते हुए हमने देखा है। अब आगे चल के देखते हैं कि विषय जो है अब थोड़ा सा परमेश्वर सृष्टि के से सृष्टि के जो गवाही था पिछले क्लास में हमने देखा था, सृष्टि को लेके प्रभु परमेश्वर ने गवाही दी थी, अब जो है उनका सृष्टि का पर्यवेक्षण से लेकर बदल कर उनकी सृष्टि के प्रति उनका जो सुधी लेना है, जो परवाह करने का तरीका है, गॉड्स केयर ऑफ हिज क्रिएशन, उसको हम आज देखेंगे। तो उसके लिए मैं अपना पीपीटी चालू करता हूं। सभी को दिख रहा है स्क्रीन मेरा? हेलो, दिख रहा है जी, दिख रहा है, आवाज आ रहा है, आवाज क्लियर है जी सर। इन दिनों में शैतान जो है बड़ा खेल खेल रहा है, क्योंकि उसके खिलाफ हम अध्ययन कर रहे हैं ना, तो इसके लिए वो भी अपना काम करते जा रहा है, वो दुगना चौकन्ने जोर लगा रहा है। तो हमारा प्रभु परमेश्वर उससे भी महान है, हम उस पर निर्भर है। चलिए अभी मैं, हाँ तो आज का जो अध्ययन होगा दो अंशों के ऊपर होगा। वो एक तो है प्रभु परमेश्वर का जो क्रिएशन है, जो सृष्टि है, उसके ऊपर वो कैसा सुधी लेते हैं, उसकी कैसा सुधी लेते हैं, वो अय्यूब को बता रहा है। दूसरा जो है परमेश्वर का फाइनल यानी अंतिम पाठ अय्यूब के लिए, इन दोनों विषयों को हम देखेंगे। तो अभी तक हमने देखा था, जैसे कि मैंने कहा कि ये जो सब्जेक्ट है, ये जो विषय है, परमेश्वर अब सृष्टि के पर्यवेक्षण से हटाकर इसकी सृष्टि के प्रति उनका सुधी जो है उसके बारे में बताते हैं। वो इसलिए कि वो चाहते हैं कि अय्यूब पूर्ण तरीके से ये बात समझ ले कि परमेश्वर का जो ध्यान है, जो
परवाह करने का जो स्वभाव है अपने बच्चों के लिए वो कैसा होता है, और इसी के ऊपर जो है परमेश्वर अपना ध्यान बताते हैं। उन्होंने सबसे ज्यादा सृष्टि में सबसे ज्यादा ख्याल या सबसे ज्यादा परवाह किसके ऊपर किया, अगर मैं किसी से भी पूछूं तो सबसे पहला एक सार्वजनिक जवाब होगा कि मनुष्य के ऊपर। ठीक, सही बात है, मनुष्य के ऊपर ही उन्होंने उनका ध्यान सबसे ज्यादा लगा रहा, क्योंकि सारी सृष्टि जो है जैसा प्रभु परमेश्वर ने बनाया, जैसा उन्होंने अपना एक प्रणाली एक नियम उन सृष्टि को दिया, उससे जरा सा भी चूकती नहीं है। इसीलिए प्रभु परमेश्वर को सृष्टि के प्रति ध्यान लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसको चलाना है। बस उसको किसके लिए चलाना है, जिसको जिसके ऊपर वो अधिक से अधिक परवाह करते हैं, ध्यान लगाते हैं। किसके ऊपर ध्यान लगाते हैं? इंसान, मनुष्य के ऊपर। मनुष्य के ऊपर इसलिए ध्यान लगाते हैं कि उन्होंने मनुष्य को रचने में अलग तरीका अपनाया है। वो हम उत्पत्ति के किताब में शुरुआत में हम देखते हैं कि प्रभु परमेश्वर ने, त्रिदेव परमेश्वर ने अपने रूप में, अब देखिए झाड़ वगैरह है, पहाड़ है, पर्वते हैं, समंदर है, ये कोई भी प्रभु परमेश्वर का रूप नहीं है, केवल हम और आप जो उनके रूप में रचे गए हैं। अब हम वो सारा जो इतिहास है उसको देखने का हमारे पास समय नहीं है और वो हमारा भाग भी नहीं है, लेकिन केवल इतना समझ ले हम कि परमेश्वर इंसान के प्रति सुधि लेना या परवाह करने का एकमात्र रहस्य ये है कि प्रभु परमेश्वर ने उन्हें अपने रूप में बनाया, एंड ही डिड नॉट वॉन्ट टू डिस्ट्रॉय दैट इमेज विच ही prepared in the initial stage, जो शुरुआती दिनों में, शुरुआत में प्रभु ने जो निर्णय लेके बनाया, प्रभु परमेश्वर उसको दोहराना नहीं चाहते थे। मतलब ये है कि he is not believing in duplication। प्रभु जो है उसका कॉपी बनाने के ऊपर परमेश्वर में रुचि नहीं है। What is original? It is original। जो शुरुआत में है, जो असली है, उसी को वो रखना चाहते हैं। उसको रखने में उसके ऊपर बहुत सारा प्रेम उंडेला, बहुत सारा ध्यान उंडेला, इतना ध्यान इतना प्रेम उंडेला कि उन्होंने अपना इकलौता पुत्र, जो स्वर्ग की महिमा को, जो स्वर्ग में उनके साथ उनके बराबर महिमा में थे, अपने से अलग करके इस धरती पर भेजा कि उनकी ये सर्वश्रेष्ठ रचना जो है इसको वो बचाए। और प्रभु परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह ने अपना काम यहाँ पे पूरा करके वो स्वर्गलोक दोबारा चले गए, और वहां पे भी देखिए खाली नहीं बैठे हैं, आपके लिए मेरे लिए वहां पे भवन बना रहे हैं, वहां पे शहर बना रहे हैं, वहां पे रहने का स्थान बना रहे हैं, और पिता के दाहिने छोर बैठ के आपके लिए मेरे लिए वो क्या कर रहे हैं कि याचना कर रहे हैं, दिन रात याचना कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं। तो इतना सारा प्रेम है, इतना सारा प्यार, इतना सारा ख्याल प्रभु परमेश्वर आपके प्रति, मेरे प्रति रखते हैं, मनुष्य के प्रति रखते हैं। ये बात अय्यूब को बताना चाहते हैं। अब जो हम इन निकट के समय में हमने देखा कि कितने सारे प्रभु के दास इस महामारी के चलते या किसी और कारण के चलते इस दुनिया छोड़ गए और प्रभु के राज्य में चले गए, प्रभु के समक्ष में चले गए। तो उनका ये है कि जैसा जैसा उनका भवन का जो आवंटन जो प्रभु यीशु मसीह बनाने गए हैं, जैसा जैसा उनका जो भवन का आवंटन होते जा रहा है और उनका जो प्रणाली है, उनका जो काम है और जो उनके दासों की जो तैयारी के ऊपर निर्भर रहते हुए उन्हें बुलावा आते रहता है। अब मेरा घर, मेरा मेरे लिए जो मेंशन बन रहा है, मेरे लिए जो घर बन रहा है, अगर वो तैयार है और मेरा यहाँ पे काम पूरा हो गया तो मुझे कोई नहीं रोक सकता मुझे यहाँ रहने से, यहाँ से निकलने से। तो ऐसा ही, लेकिन जो बच जाते हैं
हम लोग, हमारे पास या तो हमारा काम खत्म नहीं हुआ है, या हमारे लिए भवन तैयार नहीं है, या नहीं तो हम खुद तैयार नहीं। तो इन बातों को जो है प्रभु परमेश्वर अय्यूब को बताना चाहता है, और यही बातें आपको और मुझको भी प्रभु परमेश्वर बताना चाहता है। इस पिछले क्लास में हमने देखा था कि सात मुख्य पहलुओं को प्रभु परमेश्वर के गवाही देते हुए हमने देखा। आज हम आगे चल के देखते हैं कि अय्यूब के सामने सात अलग अलग प्रश्न रखे जा रहे हैं। अगर हम देखें तो 38 और 29वां अध्याय अय्यूब के किताब का, उसमें पूरा का पूरा जो है प्रश्नों से भरा हुआ है। ये प्रश्न किस लिए है? अय्यूब को तंग करने के लिए नहीं है, अय्यूब को परेशान करने के लिए नहीं है, अय्यूब को समझाने के लिए कि प्रभु परमेश्वर क्या है और मनुष्य क्या है। तो आइए हम देखते हैं कि वो कौन सा सात प्रश्न है जो प्रभु परमेश्वर अय्यूब के जरिए, अय्यूब से तो बातें कर दिया लेकिन अय्यूब के जरिए हमसे बातें करना चाहते हैं। उसमें चलते हैं, अभी कोई भाई मेरा पढ़े 38वां अध्याय अय्यूब के किताब का, 38वां अध्याय 39 से लेके 41 तक। 38 सर, 38 अध्याय 39 से लेके 41 तक। अगर आपको क्या तू सिंहनी के लिए अहेर पकड़ सकता और जवान सिंहों का पेट भर सकता है, जब वे माद में बैठे हो और आड़ में घात लगाए दबक कर बैठे हो, फिर जब कौवे के बच्चे ईश्वर की दुहाई देते हुए निहार उड़ते फिरते हैं, तब उनको आहार कौन देता है? देखिए यहाँ पे कितना खूबसूरत सा सवाल कर रहा है, किसके विषय में, किसके संदर्भ में कर रहा है प्रभु परमेश्वर? एक सिंह और एक रेवन, जिसको हम कहते हैं कि काला कौवा जो होता है ना, वो तो पहाड़ियों में होने वाला कौवा होता है, वो बहुत ही एकदम स्याही रंग का काला होता है, मोटा सा सर होता है उसका, जो आम कौवे हम शहरों में देखते हैं या अपने गांवों में उड़ते हुए देखते हैं वैसा नहीं है वो, ये एक विशेष कौवा होता है। ये वही कौवा है जो इलिया को खाना लाया था। तो ऐसा, तो उन दोनों को, दोनों प्राणियों को लेके प्रभु परमेश्वर सवाल कर रहा है कि क्या तू एक सिंह को शिकार करवा सकता है, या नहीं तो जवान सिंहों का तू उनका भूख मिटा सकता है? क्या यह संभव सी बात है मनुष्य के लिए? और ये बात आगे कहता है कि कौन है वो कौओं को खाना खिलाता है, रेवन्स को, कहता है कि हु प्रोवाइड्स द रेवन इट्स प्रे व्हेन इट्स यंग वंस क्राई टू गॉड एंड वंडर अबाउट द लैक ऑफ फूड। So what happens if a man had to provide food for these creatures for just one day? प्रभु परमेश्वर का सवाल में बहुत सारे भेद छुपे होते हैं। अनुमान लगाइए कि अगर हम में से किसी को कहा जाए कि एक दिन के लिए एक सिंह को, सारे जो धरती पृथ्वी के ऊपर जितने भी हैं उन सभी को, एक सिंह को खाना खिला दे, उसका जो भोजन है वो खिला सकता है, क्या वो संभव है किसी मनुष्य से? नहीं, संभव नहीं है। सो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट लॉर्ड इज आस्किंग जॉब। इट इज नॉट ए क्वेश्चन ऑफ वन लायन और वन रेवन, बट ऑल सच क्रीचर्स टुगेदर। केवल एक सिंह या नहीं तो एक कौवा या एक टाइगर, उसका नहीं है, सभी को लेते हुए। इसीलिए भजन लिखने वाला 104 में कहता है, देखिए कि ये परमेश्वर का ज्ञान और उसकी शक्ति है जो उनके ऊपर निर्भर है। परमेश्वर अपने हथेली मुट्ठी को खोलता है और उनका सारा भरपाई करता है। गॉड ओपन हिज हैंड एंड दे वर फिल्ड विथ हिज प्रोविजन।
मेरे प्रिय भाई प्रिय बहन, सुनने वाले सभी, आज हम भले कितने भी ऊंचे स्थान पे हो, भले कितने भी मेहनत करते हो, भले कितने भी हमारा बैंक बैलेंस हो, जो खाना थाली से मुंह तक पहुंचाने में अगर प्रभु परमेश्वर का इच्छा नहीं है तो हम कुछ नहीं कर सकते। आज करोड़पतियां हैं, अरबोंपतियां हैं, लेकिन उनके पास खाने के लिए खाना नहीं है, क्योंकि ये जो संक्रमित, ये जो महामारी से वो पीड़ित है, उनका पैसा उन्हें बचा नहीं पा रहा है। करोड़पति है, अरबपति है, दुनिया में कितने बड़े बड़े रईस लोग हैं, उनके पास आत्मिक आहार नहीं है। शुरुआत में मैंने कहा था कि प्रभु का आनंद, रिजॉइस इन द लॉर्ड। व्हाई वी आर रिजॉइसिंग? क्योंकि परमेश्वर ने हमारा आत्मिक पेट भरने के लिए और भौतिक पेट भरने के लिए हमें एक सार्वजनिक आहार दिया है, वो है आत्मिक आहार, और वो है परमेश्वर का ये वचन, जिसको खाने के लिए ग्वालियर मंडली के पहल के तरफ से सुबह और शाम हम इस जूम के मीडियम से इन स्क्रीनों के आगे आ जाते हैं। क्यों, हमारे पास काम नहीं है, ऐसे ही वेले बैठे हैं हम? नहीं, सभी के पास काम है, लेकिन प्रभु का भोजन का जो महत्व जानता है वही आ सकता है, जो प्रभु का भोजन का जो भूखा है वही आ सकता है। तो यहाँ पे विचित्र सी बात यह है कि प्रभु परमेश्वर जो है अय्यूब से सवाल कर रहा है कि जो दूसरे प्राणियों का शिकार करने वाला जीव जंतु है, उनको क्या तू पालन पोषण कर सकता है, ये कह रहा है। लेकिन प्रभु परमेश्वर के नाम की स्तुति हो, धन्य हो कि वी कैनॉट एस्केप द फैक्ट दैट गॉड क्रिएटेड दीज एनिमल्स दैट प्रे ऑन अदर्स। परमेश्वर ने इन शिकारी जानवरों को, जो दूसरे के ऊपर शिकार करते हैं, उनको उन्होंने ही बनाया और उनके लिए खाना भी वो तैयार करते हैं। पाप के आने से पहले, ये धरती में पाप के आने से पहले, बिफोर सिन केम इनटू दिस वर्ल्ड, ऑल क्रीचर्स वर सब्जेक्ट टू मैन। याद होगा कि परमेश्वर ने जब आदम और हव्वा को मिलने आया, आदम को जब रचा, तब आदम को बनाने से पहले ये सब चीजें बना के तैयार रख के आदम के पास लेकर आया और कहने लगा, इनका नाम दे, इनका नामकरण कर, क्योंकि ये सब तेरे अधीन रहने वाले हैं। लेकिन आदम ने वो अधिकारिता, वो स्वतंत्रता, वो महत्व खो लिया था पाप के पर। तो इसी रीति से नाउ सम ऑफ देम स्पेशली फ्लैश ईटर्स, ये जितने भी शिकारी, तो उस समय में आदम के अधीन में रहने वाले, रहना था जिनको, वही जानवर, वही पशु आज इंसान के शत्रु बन गए हैं। अब दूसरा देखते हैं, ये तो हो गया शेर और सिंह और कौवे के बीच में, और इसके बाद में एक और बात परमेश्वर हमें आज संध्याकाल के समय में बता रहे हैं। लुका रचित सुसमाचार 12:24 में देखिए प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं। लुका रचित सुसमाचार 12:24 वचन, जरा जल्दी जल्दी पढ़े भाई। Luke's Gospel, chapter 12, verse 24. कौवों पर ध्यान दो, वे ना तो बोते हैं, ना काटते हैं, उनके भंडार और खत्ता होता, ना काटते हैं, ना उनका भंडार और ना खत्ता होता है, तो भी परमेश्वर उन्हें पालता है। तुम्हारा मूल्य पक्षियों से कहीं अधिक है। देखिए, कौवों पर ध्यान दो, वे ना बोते हैं, ना काटते हैं, ना भंडार उनके भंडार और ना खत्ता होता है, तो भी परमेश्वर उन्हें पालता है। तुम्हारा मूल्य पक्षियों से कहीं अधिक है। तो अय्यूब को पूछा जा रहा है, अगर मैं कहूं इन दोनों को तू खाना खिला, इन दोनों को जो उनका भोजन है वो लेकर आ, क्या तू ला सकता है? यही प्रश्न
प्रभु परमेश्वर हमसे भी पूछ रहे हैं, क्या यह संभव है हम वो कार्य करें? नहीं, असंभव बातें हैं, असंभव सी कार्य है। लेकिन प्रभु परमेश्वर यहाँ पे खूबसूरत सी बात कहता है कि उनको खाना देने वाला, उनको भोजन देने वाला, उनको पाल पोसने वाला, उनकी सुरक्षा करने वाला, क्या तुम्हारा सुरक्षा नहीं करेगा? तुम्हें पालेगा नहीं? तुम्हें खिलाएगा नहीं? क्योंकि तुम्हारा मूल्य जो है, मेरा मूल्य, तुम्हारा मूल्य जो है वो इन पक्षियों से कहीं अधिक है। ये प्रभु यीशु मसीह की घोषणा। अब दूसरा देखते हैं, दूसरा प्रश्न उसका, क्वेश्चन नंबर टू। इसी अध्याय में अगर आगे देखते हैं हम, तो वहां पे लिखा है कि ऊंचे एनिमल्स इन द हाई माउंटेन्स, उनके बारे में कहा गया है। आई एम 38वां अध्याय में कौवे और सिंह, 38वां अध्याय में दोबारा चलते हैं। हाँ, कितना बचा? ये पहला वचन देखिए, 39 का पहला वचन, सॉरी। तब क्या तू जानता है कि पहाड़ पर कि जंगली बकरियां कब बच्चे देती हैं? बा जब हिरणियां ब्याती हैं तब क्या तू देखता रहता है? तो देखिए, यहाँ पे भी एक महान सा प्रश्न है। पहले तो सिंह और कौवे के बारे में पूछा गया था, अब यहाँ पे जो है कहता है कि क्या तू जानता है कि पहाड़ पर कि जंगली बकरियां कब बच्चे देती है? यानी पहाड़ी जो जानवरें होती है, यहाँ पे केवल एक उदाहरण के तौर पे लिया हुआ है। पहाड़ों में बहुत सारे जानवर होते हैं, उनमें से सबसे ज्यादा चंचल जो होता है पहाड़ी बकरा या पहाड़ी बकरी, तो ये इनको जंगली बकरे भी कहा जा सकता है। तो ये लोग जो है, ये पहाड़, ऊंचे ऊंचे पर्वत, ऊंचे ऊंचे पहाड़ चढ़ते रहते हैं, उतरते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं, लेकिन कभी भी गिरते नहीं है नीचे। इनको कौन संभाल रहा है? प्रभु परमेश्वर संभाल रहा है। इनको खाना, इनको चारा कौन देता है? प्रभु परमेश्वर देता है। और जब इनके जो जवान बच्चे, इनके जो बच्चे होते हैं, ये लोग, ये बच्चे जो है, जैसे ही वो कूदने चलते हैं, कूदने शुरू हो जाते हैं, वो उनके माता पिता, माता को छोड़ के दूर हो जाते हैं। लेकिन फिर भी उस बाल्यावस्था में भी, उस कमजोर स्थिति में भी इन जंगली बकरियों का ख्याल प्रभु परमेश्वर रखता है। प्रभु परमेश्वर उनका सुधी तब रखता है जब ये पहाड़ पे ऊंचे नीचे, ऊपर नीचे कूदते चढ़ते रहते हैं। सो ऐसा जंगली जानवर का भी इतना ख्याल रखने वाला परमेश्वर, क्या वो कमजोर, हम जैसे कमजोर, हम जैसे डरपोक जन, हम लोगों का ख्याल नहीं रखेगा? इफ गॉड टेक्स केयर ऑफ एनिमल्स दैट क्लाइम रॉक्स, शैल ही नॉट वॉच द स्टेप्स ऑफ हिज टिमिड पीपल हु क्लाइंब ओवर द रगेड रॉक्स ऑफ एडवर्सिटी। जो आजकल का जो एडवर्सिटी चल रहा है, यानी विरोधा वातावरण जो चल रहा है, जहां पे हर जगह पे डर, हर जगह पे नकारात्मक समाचार, नकारात्मक रवैया, अपने अपने से नहीं मिल सकते। हम लोग कितने दिन हो गए हम अपने करीब जनों को मिल के, देख के, उनके चेहरे देख के, एक ही जगह रहते हैं, लेकिन उनके पास हम जा नहीं सकते। हम जो नौकरी करने वाले लोग हैं, हम हमारे दफ्तर नहीं जा सकते। हमारे साथ ही काम करने वालों को हम एक दूसरे को नहीं देख पाते। हमारे काम के जगह पे क्या हो रहा है हमें कुछ नहीं मालूम। ऐसे हालात में, ऐसे भयंकर परिस्थिति में हम लोग हैं, तो हमारा ख्याल कौन रख रहा है? हमारा प्रभु परमेश्वर रख रहा है। तो ये बात जो है अय्यूब को बताया जा रहा है, मेरे प्रिय भाई बहन, आपको भी बताया जा रहा है। अय्यूब छुटकारा और मृत्यु मांग रहा है। Job had cried for deliverance and he had also cried out for death.
केवल परमेश्वर ही जानता है यह रहस्य जो उसके योजना में, उनके योजना के चलते अय्यूब के जीवन में पूरा होना है। अय्यूब नहीं जानता है कि जितनी भी तकलीफें हैं, जितनी भी परेशानियां उसे आ रही है, जिस किसी भी हालात से वो गुजर रहा है, वो केवल और केवल प्रभु के योजना के अनुसार है। ये आप और मैं जानते हैं क्योंकि हमारे लिए ये लिखित रूप में हमारे सामने रखी गई है। जो इन दोस डेज ही डिड नॉट रियलाइज और ही डिड नॉट नो दैट व्हाटएवर इज हैपनिंग इन हिज लाइफ एंड व्हाटएवर द एडवर्स सिचुएशंस ही इज पासिंग थ्रू, इट इज ऑल इन द डिवाइन प्लान ऑफ द फादर गॉड। बट टुडे माय डियर, टुडे वी नो बिकॉज़ द वेरी प्लान, द वेरी डिजायर of God has been recorded and has been presented in front of us, of which we are doing the study today. Unhi cheezon ka, unhi baaton ka hum adhyayan abhi kar rahe hain. Un dinon mein Ayub ko kuch nahi pata tha, to aise sankat paristhiti mein Ayub ne itna pareshan aur vichalit ho gaya tha ki wo mrityu aur chutkara maangne lag gaya. To mere priye bhaiyo behno, हम जान के भी हम लोग आपस में या नहीं तो हम लोग अपने आप में संतुष्ट नहीं हो पा रहे हैं। ये थोड़े समय के लिए ये तकलीफ है, ये थोड़े समय का, ये जो महामारी का जो पैंडेमिक सीजन चल रहा है या नहीं तो एपिडेमिक चल रहा है, ये थोड़े सीजन के लिए, थोड़े समय के लिए। ऐसे कितने धरती पर आए, कितने संकट आए, चले गए, लेकिन प्रभु ने अपने बच्चों को संभाल के रखा। जब तक उनका काम है इस धरती पे, उन्हें उनको संभाल के रखा। सो लेट अस लर्न टू लिव आवर केयर्स टू द विजडम ऑफ गॉड। आइए तो हम अपना जो ख्याल है उसके बारे में हम चिंता ना करें। चिंता अय्यूब को करना था, अय्यूब ने चिंता किया, लेकिन चिंता आपको और मुझको नहीं करना है, क्योंकि हम जो है हमारे सर्वज्ञानी परमेश्वर के, उनके केयर के तले, उनके परवाह के तले, उनके प्रेम के तले हम लोग आ चुके हैं। जैसा मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के तले संभालती है, वैसा प्रभु परमेश्वर हमें संभालता है। सो ये पहाड़ी जो जानवर है, पशु है, ये कितना कठिन इनका जीवन होता है, लेकिन बड़े आराम से बेफिक्र होके वो नाचते कूदते पहाड़ियों के ऊपर दौड़ते रहते हैं। अब आप लोगों ने पता नहीं जंगली बकरों को देखा नहीं, पहाड़ी बकरों को देखा या नहीं, हमने तो बहुत देखा है। और हमारे यहाँ पे महाराष्ट्र के यहाँ पे देखे तो वेस्टर्न गार्ड्स जिसको कहा जाता है, जो पश्चिमी पर्वतीय क्षेत्र है वो, और जब मैं बाहर था वहां पे भी पहाड़ी क्षेत्र में देखता था कि जंगली बकरे वो किसी के हाथ नहीं आते, वो कूदते रहते, लंबे लंबे सींग होते हैं उनके, गोल ऐसा मुड़ा हुआ, वो भाग दौड़ करते रहते हैं, कभी भी कोई गिरता नहीं है, देखने में बहुत रोचक लगता है। तो उनका जब प्रभु परमेश्वर ख्याल रख सकता है, तो आपका जो आप और मैं उनके रूप में जो बनाए गए हमारा कितना वो ख्याल रखेंगे। तीसरा प्रश्न, द थर्ड क्वेश्चन विच इज बीइंग पुट टू योब इज फ्रॉम वर्सेस 5-7, जहां कहा गया है, किसने बनेले गधे को स्वाधीन करके छोड़ दिया, किसने उसके बंधन खोले हैं, उसका घर मैंने निर्जल देश को और उसका निवास लोनिया भूमि को ठहराया है, वह नगर के कोलाहल पर हंसता है और हाकने वालों की हाक सुनता भी नहीं है। ये जंगली गधा कैसा होता है, ये पूरा तरीके से अलग है, वो ये जो पालतू गधे से अलग होता है। पालतू गधा उसके सामने कहीं पे भी खड़ा नहीं रह सकता, जंगली गधा और पालतू घोड़ा दोनों एक जैसे ही होता है, इतना शक्तिशाली होता है। उसके बारे में प्रभु परमेश्वर जो कहता है कि उसकी आदतें और स्वभाव अलग है, और वो एक ऐसा घोड़ा, ऐसा गधा होता है जिसको हम सिखा नहीं सकते। द वाइल्ड डोंकी द लॉर्ड स्पीक्स इज कंप्लीटली डिफरेंट इन habit and disposition, or in habit and its behavior, we can say, from the donkeys which we see in our day-to-day life. The wild donkey is the one that cannot be tamed. It
cannot be used by man, or for that reason, many persons consider it as useless. उसे निष्प्रयोज माना जाता है क्योंकि एक जंगली गधे से आप कुछ भी काम नहीं करा सकते, एक धोबी उससे कोई काम नहीं ले सकता, एक पहाड़ी इलाके में एक फौजी कोई काम नहीं ले सकता। अब हमारे भारतवर्ष में देखा जाए तो हिमालय के पर्वतों के चोटियों के ऊपर सामान पहुंचाने के लिए जहां गाड़ियां नहीं जा सकती वहां पे फालतू गधों का उपयोग किया जाता है। वहां पे बहुत सारे जंगली गधे होते हैं लेकिन उनको वो उपयोग नहीं कर सकते क्योंकि वो किसी के अधीन में नहीं आते, बिकॉज दे डू नॉट ओबे एनी मैन। बाइबल कहता है, वचन कहता है कि और हाकने वालों की हाक सुनता भी नहीं है, इतना ढीठ होता है वो, सच एडमेंट थिंग। येट गॉड लुक्स आफ्टर दिस क्रीचर एंड हैज ए प्लेस इन हिज प्लान फॉर इट। ऐसा ढीठ प्राणी, ढीठ पशु जो काबू में नहीं आ पाता उसका भी प्रभु परमेश्वर जो है सुधी लेता है। सो हम क्या उससे भी गए गुजरे हैं? कई बार हमारा जो आदतें हैं, हमारा स्वभाव जो है उसे भी भयानक होता है, लेकिन फिर भी परमेश्वर जो है हमारा सुधी लेते हैं। हम भी कई बार, हमारा स्वभाव ऐसा होता है, हमारा ढीठ स्वभाव होता है। मेनी टाइम्स इवन आवर बिहेवियर, आवर नेचर इज ऑल्सो लाइक वाइल्ड डोंकीज। As he is taking care of those wild donkeys, Lord is taking care of you and me also. Even no matter whatever yours and mine nature and habits may be. So yet God looks after his creation and has a place in his plan for it. Unki yojana mein aapka aur mera ek sthan hai. Ye cheeze jo aista aista Ayub ko samjha raha hai Prabhu Parmeshwar. Slowly he is hinting that whatever Job is going through, it should not be a matter of worry to him. So ye baat ko Prabhu Parmeshwar jo hai Ayub ko dar badar, yani ek step by step samjha raha hai. Pehle to unke mitron ke zariye Prabhu Parmeshwar ne samjhane ki koshish ki aur samjhaya. उसके बाद प्रकृति यानी नेचर यानी क्रिएशन के जरिए बताने की कोशिश किया। अब जो है सवालों के जरिए अय्यूब को बता रहा है। चौथा प्रश्न हम देखते हैं, चौथा जानवर जिसके बाद लेके है, 9-12 वचन तक अगर हम पढ़ते हैं अय्यूब के 39वां अध्याय 39:9-12 बुक ऑफ जॉब। क्या जंगली सांड तेरा काम करने को प्रसन्न होगा? क्या वह तेरी चरनी के पास रहेगा? क्या तू जंगली सांड को रस्से से बांध कर घेरियों में चला सकता है? क्या वह नालों में तेरे पीछे पीछे हेरा फरेगा? क्या तू उसके बड़े बल के कारण उस पर भरोसा करेगा? वह जो परिश्रम का काम तेरा हो, क्या तू उसे उस पर छोड़ेगा? क्या तू उसका विश्वास करेगा कि वह तेरा अनाज घर ले आए और तेरे खलियान का अन्न इकट्ठा करे? प्रभु के नाम की स्तुति हो। ये देखिए कितना प्रैक्टिकल प्रश्न, कार्य रूपी प्रश्न, साधारण से प्रश्न प्रभु परमेश्वर अय्यूब से पूछ रहा है। हमने कितनी बार, मैं अब जब इसका अध्ययन कर रहा हूँ तो मुझे इतना रोचक लग रहा है ये अय्यूब का किताब, इतना इंटरेस्ट आ रहा है इसमें। अभी तक हमने कई बार अय्यूब के किताब पढ़ के निकल गए, केवल हम जो है अय्यूब की तकलीफें, अय्यूब का जो पेशेंस परसिवरेंस, इन्हीं के ऊपर हम ध्यान देते हुए गुजर जाते हैं, है क्या नहीं? इन्हीं को देखते हुए हम निकल जाते हैं। लेकिन अगर हम हर एक बात को, उसमें से छुपी हुई भेदों को अगर हम खोदने शुरू करते हैं, कितना रोचक लगता है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि ये 7 प्रश्नों के ऊपर आज संध्याकाल के समय में हम इतना बात कर सकेंगे, लेकिन कितना रोचक है। देखिए इसको, इनके ऊपर बात करना है तो
बहुत सारा समय लग जाएगा, इसलिए लेकिन मैं तेजी से निकल रहा हूं। तो यहाँ पे चौथा प्रश्न जो है प्रभु परमेश्वर, एक अनोखा प्रश्न, अनूठा प्रश्न, द सेवेंथ द फोर्थ डिस्टिंक्ट क्वेश्चन विच लॉर्ड द गॉड द फादर इज आस्किंग जॉब इज अबाउट वाइल्ड ऑक्स, कंसीडरिंग कंसर्निंग द वाइल्ड ऑक्स, ये जंगली बैल, जंगली सांड जिसको लिखा हुआ, जंगली सांड से तेरा काम प्रसन्नता से क्या करेगा वो? इसका कहने का मतलब है, मूल अर्थ ये है कि विल द वाइल्ड ऑक्स बी विलिंग टू सर्व यू, क्या जंगली सांड जो है क्या तुम्हारी सेवा का सेवा करेगा, या क्या तुम्हारे काम के लायक है या उपयोगी है तुम्हारे लिए, और रिमेन बिसाइड यूर मैंजर, यानी तो जहां पे तुम उसको गौशाला जो बना के रखोगे, तबेला जो रखोगे, क्या वो तबेले में उसको बांध के रख सकोगे? नहीं, या नहीं तो उसको बांध के आप अपना खेतीबाड़ी करवा सकेंगे उससे? कभी नहीं करवा सकेंगे। या उसको वजन देके हर रोज का काम हम करवा सकेंगे? नो। कैन यू बाइंड द वाइल्ड ऑक्स विथ हार्नेस टू प्लो, और will he be used to haul the luggage or loads, or can he be used for cultivating the soil in his country? No, it cannot be. Isi riti se. So what Lord is speaking here is that one that man cannot tame, it is an animal that can neither be used to be trusted or controlled. यहाँ पे प्रभु परमेश्वर ये बात बताना चाहता है ये पांच वचनों से, ये चार वचनों से, कि जिस प्राणी को, जिस पशु को किसी भी चीज में तुम उपयोगी बना नहीं सकते, अपने कोशिश भी करके देख लो, उसको तुम अपने लायक या अपने काम के लायक उसे तुम बना नहीं सकते, उस प्राणी के ऊपर, उस पशु के ऊपर भी प्रभु परमेश्वर जो है सुधी रखता है, ध्यान रखता है, उसको भी खिलाता है, उसको भी चलाता है। तो क्या वो तुम्हारा ख्याल नहीं रखेगा, मेरा ख्याल नहीं रखेगा? ये अय्यूब को बताना चाहता है। ये है चौथा अनूठा प्रश्न। पांचवा देखते हैं, कितने लोगों ने शुतुरमुर्ग को देखा, इतने जितने भी लोग हमारे विंडोज में जुड़े हुए हैं, कितने लोगों ने देखा? अपने माइक खोल के बताइए, ओपन करके, शुतुरमुर्ग को कितने लोगों ने देखा है, भले वो चिड़ियाघर में हो या वास्तविकता में हो? ऑस्ट्रिच, हाउ मेनी पीपल हैव सीन ऑस्ट्रिच? मैंने टीवी पे देखा है। ओके, प्रेज गॉड। कहीं ना कहीं तरीके से देखा है लोगों ने। जब हम पढ़ते थे स्कूल, हमें चिड़ियाघर ले जाता था, वहां पे हमें देखते हैं। तो इसका एक स्वभाव ऐसा होता है, दिस इज एन अनयूजुअल बर्ड, ये एक अप्राकृतिक इसको पंछी का, या असामान्य पंछी इसको कहा जा सकता है, अनयूजुअल बर्ड। Why I am saying unusual? It seems to be devoid of any material maternal instinct. यानि इसका जो है ना, ये इसका एक स्वभाव ऐसा कहा जा सकता है कि पितृत्व विहीन जिसको कहा जा सकता है इंग्लिश में, यानि it is not having any sort of parental responsibility. अब बाकी जितने भी हमने ऊपर के जानवरों को देखा, खतरनाक से खतरनाक सिंह के बारे में देखा, जंगली बकरों के बारे में देखा, जंगली गधे को देखा, जंगली सांड को देखा, ये सभी जो है अपने जो बच्चे होते हैं, अपने जो किड्स होते हैं, या जो उनका पैदाइशी होता है बच्चों का, उनको बराबर से देखभाल करते हैं। दे टेक केयर ऑफ देयर यंग वंस इन ए वेरी डिलीजेंट वे, अच्छे तरीके से उनको, जब समय में दूध पिलाने का समय आए तो दूध पिलाएंगे, खाना खिलाएंगे, सब कुछ खिलाएंगे। लेकिन ये एक, ये ऑस्ट्रिच जिसको शुतुरमुर्ग कहा जाता है हिंदी में, ये एक ऐसा पंछी है जो अपने
जिसके जो बच्चे होते हैं या चूजे होते हैं उसके बारे में कुछ भी वो ख्याल नहीं करता, इट हैज नो केयर फॉर इट्स यंग एट ऑल, कैसा कह सकते हैं? क्योंकि जो ये अंडे देता है ये अंडों को रेत के नीचे छुपा के चला जाता है, तो रेत के नीचे कई बार ऐसा होता है वो छुपाने के बाद वो खुद ही उसके ऊपर पैर देके वो अंडों को खत्म कर देता है, लेकिन कैसा ना कैसा करके इनकी भी तादाद बढ़ती है, अंडों में से भी चूजे निकल आते हैं। ये सारा किसका कार्य है? ये किसका कार्य है? ये प्रभु परमेश्वर का कार्य है, वही चलाता है। She hardened against her young ones, जैसा कि वो अंडे उसके नहीं है, एक कठोराभास होता है उसमें, एक कठोरता होती है कि उसने दिया हुआ अंडे वो खुद पहचानता नहीं है, अगर पहचानता भी है तो उसको रेत से ढक के चला जाता है, उसमें से बच्चे निकले, चूजे निकले नहीं निकले उसे कोई परवाह नहीं, और निकलने के बाद भी उनका कोई सुधी नहीं लेता है वो नन्हे चूजे अपने आप बड़े होते हैं, निकलते हैं, कुछ तो जानवरों के शिकार हो जाते हैं, कुछ तो बच पाते हैं, लेकिन जो बच पाते हैं वो बड़े होते हैं। यही है प्रकृति का नियम, ये हम कहते हैं, मनुष्य कहता है, लेकिन ये प्रकृति का नियम नहीं है, ये परमेश्वर का नियम है, जो वो उनका ख्याल रख सकता है, जो इतना नाजुक है उनका वो ख्याल रख सकता है। ये ऐसा क्यों करता है ये शतुर्मुर्ग? क्योंकि परमेश्वर ने उसे ज्ञान से वंचित कर दिया है। गॉड हैज डिप्राइव्ड हर ऑफ विजडम, नीदर ही हैज इम्पार्टेड हर अंडरस्टैंडिंग। उसको ज्ञान से तो वंचित कर दिया और ना और समझ से भी उसे परे रखा है। सो येट व्हेन शी लिफ्ट्स अप हर फ्लाइट, इसके बावजूद भी जब वो उड़ने लगता है, बहुत कम उड़ता है लेकिन जब समय आए तो उड़ने लगता है, तो उसके सामने तेज से तेज दौड़ने वाला घोड़ा भी शर्मा जाता है, ये कहावत है। सो इतना उसमें, यानी जो ज्ञान नहीं है उसका, ध्यान नहीं है उसमें, कोई ज्ञान नहीं है उसको, कोई समझ नहीं है उसको, कोई परवाह नहीं है, ऐसा एक प्राणी को भी प्रभु परमेश्वर जो है सुधी लेता है। सो मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हमें भी ये स्वभाव आते हैं कई बार, हम भी बच्चे, हमारे बच्चों के प्रति, हमारे जवानों के प्रति, वो क्या कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, मतलब खाना पीना मतलब भौतिक आहार नहीं, आत्मिक आहार, वो क्या देख रहे हैं, दिन भर लगे रहते हैं टैब में, मोबाइल में, वो क्या देख रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, इन सभी चीजों का हम भी ध्यान नहीं देते। We also take it for granted and we also say it is a modern world. My son, my daughter, they are educated. They know what is good. They know what is wrong. So let them do whatever they like. That means it is a devoid of any maternal love. Ye paitritva vihinata hai. Aisa swabhav se hamare masih samaj mein, vishwasi samudaya mein, there are many in this believers families that they take very least, or they are least bothered about their children's spiritual welfare, spiritual growth, atmik sankshem, atmik unnati ke prati kai maa baap aise hain. Wo jawan ho gaya hai, uski marzi, वो सुनेगा नहीं सुनेगा उसकी मर्जी, वो नाराज हो जाएगा, ये सब बहाने हम लेकर आते हैं बीच में, जब नौजवान बच्चे हमारे, छोटे बच्चे हमारे, उनको हम आत्मिक आहार देना पड़ता है। लेकिन प्रभु परमेश्वर कहता है कि ऐसों का भी वही सुधी रखता है, तो आपका और मेरा सुधी रखेगा। अब हम देखते हैं छठा विशिष्ट प्रश्न, अनूठा प्रश्न, किसके बारे में? 19 से लेकर 25 तक हम एक जंगली घोड़े के बारे में पढ़ते हैं। जंगली घोड़ा ये कैसा है? नेक्स्ट एनिमल स्पोकन ऑफ इज ऑफ ए वॉर हॉर्स, हैव यू गिवन द हॉर्स इज माइट। ये जंगली घोड़ा बहुत ही शक्तिशाली होता है, ये जो युद्ध का घोड़ा जो होता है ना, ये सबसे शक्तिशाली होता है।
ये युद्ध की घोड़ा, युद्ध के लिए जो तैयार किया गया घोड़ा होता है, ये केवल और केवल युद्ध का, युद्ध वातावरण का ही इसको बास लगता है. इट कैन ओनली स्मेल द वार ग्राउंड. इट, इसके पास कोई डर नहीं है. ही मॉक्स एट द फियर, दैट मीन्स ही गोस आउट टू मीट वेपन्स ऑफ आर्म्ड मैन. इसको कोई डर नहीं है, अगले का तलवार तीर मेरे में घुस जाएगा, मुझे लग जाएगा. पुराने जमानों में यही हथियार हुआ करते थे. आजकल लड़ाई झगड़े के लिए या युद्ध के लिए घोड़ा कोई नहीं इस्तेमाल करता है, लेकिन उन दिनों में युद्ध का महान सामग्री या युद्ध के लिए बहुत ही बहुमूल्य प्राणी ये युद्ध का घोड़ा हुआ करता था. सो जैसा ही as soon as the trumpet sounds, he is very much happy and eager to run in the war, towards the war, for the war. ऐसा इसमें उत्साह होता है. ऐसा उत्साह वाले को भी प्रभु परमेश्वर जो है उसकी सुधि लेता है. ये कोई साधारण सा जानवर नहीं है. This is not a gentle animal. Though it is often has a grace, इसका बहुत ही प्रतिभा होती है और खूबसूरती, प्रतिभा, खूबसूरती, ताकत और निडरता इसका स्वभाव होता है. तो प्रभु परमेश्वर अय्यूब को पूछता है कि इतने सारे स्वभाव वाला इसको, ये जानवर को और जानवरों से अलग किसने बनाया? Who made him different from the other horses? It is the Lord, it is the God who made provision for him also. And he made the war horse separate and unique from other animals. So Lord warned the nation of Israel against placing confidence in strength of horse. Prabhu Parmeshwar ne Israeli logon ko chetavni di, bataya ki tumhara bharosa jo hai, ghodon ke taakat ke upar mat rakho. क्योंकि वो घोड़े भी मेरे ही अधीन में है, प्रभु परमेश्वर के अधीन में है. Nevertheless, God made provision for the preservation of all these dangerous animals. So, will he not make provision for you and me? He will. और अभी अंतिम प्रश्न को हम देखते हैं कि एक जो बाज होता है, बाज और उकाब शिकारी पक्षी है, ये दोनों भी शिकारी पक्षी है, या बाज और उकाब, उकाब को हिंदी में गरुड़ भी बोल सकते हैं इसको हम. सो दिस बोथ आर द हंटिंग बर्ड्स. दोनों को शिकार चाहिए. पुराने जमाने में और आजकल के जमाने में भी अरब खाड़ी देशों में जब शिकार किया जाता है तो हर एक व्यक्ति के पास बाज होता है, और जिसके घर में बाज हो वो सबसे ज्यादा पैसे वाला और सबसे ज्यादा घमंडी उसको माना जाता है. बाज जो है वो घमंड का प्रतीक है, और उकाब जो है, गरुड़ जो है, वो उसकी तेज नजर. कितने भी मीलों ऊंचाई से एक छोटा सा चूहा पत्थरों में रहता है उसको देख लेता है. तेज नजर वाला, घमंड स्वभाव वाला ये दोनों पंछी. द हॉक एंड द ईगल बोथ आर द बर्ड्स ऑफ प्रे. द लॉर्ड आस्क कंसर्निंग देम, इज इट बाय योर विजडम जॉब दैट द हॉक सोर्स और स्ट्रेचेस इट्स विंग्स टुवर्ड्स द साउथ. अय्यूब से पूछ रहा है कि हे अय्यूब, क्या ये तेरे ज्ञान से ये पंछी जो है, ये शिकार के जो पंछी है, ये उतने ऊंचाइयों पर उड़ते हुए अपने पंख फैलाकर इतने ऊंचाइयों पर उड़ते हैं, क्या ये तेरे ज्ञान से है? नो, ये केवल और केवल प्रभु परमेश्वर के नियंत्रण से है. शिकारी पक्षियों का ये विशेष बात है, ये इतने विशेष जानवर, इतने विशेष पंछी, ये सब होते हुए भी प्रभु परमेश्वर
आपके ऊपर, उनके ऊपर जैसा ख्याल रखते हैं उससे भी कई गुना ज्यादा आपके ऊपर और मुझ पर वो ख्याल रखते हैं। देखिए रोमियों की पत्री 11वां अध्याय 33वां वचन पढ़े भाई कोई जल्दी से। रोमियों की पत्री 11:33 कोई है क्या सब चले गए? हेलो। परमेश्वर का धन और ज्ञान क्या ही गंभीर है, उसके विचार कैसे तथा और उसके मार्ग कैसे अगम है। देखिए ये सब चीजों में हम देखते हैं कि कितना अद्भुत सी बात है कि हाउ अनसर्चेबल आर हिज जजमेंट्स एंड हिज वेज पास्ट फाइंडिंग आउट। कितना खूबसूरती से लिखता है कि आहा परमेश्वर का धन और बुद्धि और ज्ञान क्या ही गंभीर है और उसके विचार कैसे अथाह है, उसके मार्ग कैसे अगम है, ये आप और मैं अय्यूब कोई नहीं समझ सकता। मेरे प्रिय भाइयों बहनों इस संध्याकाल के समय में सोच के देखिए प्रभु परमेश्वर अय्यूब से तो इन सातों जानवरों के या इन सातों प्राणियों के वजह से जितने भी सवाल पूछे। आप लोग अपने खाली समय में समय निकाल के ये दोनों अध्याय पढ़िए, इसमें से आप समझिए कि आपके साथ प्रभु परमेश्वर क्या बात है, क्या पूछना चाहता है। सो इन सभी सवालों से अय्यूब कैसे प्रभावित हुआ, क्या हमने पूरी तरह से समझ लिया है कि हमें कुछ भी अय्यूब कैसा, अय्यूब का रियलाइजेशन क्या है? अय्यूब का रियलाइजेशन तो है, हैव वी कम फुल्ली टू रियलाइज दैट देयर इज एब्सोल्युटली नो नथिंग गुड इन अस, आवर फॉलन नेचर्स आर करप्ट। अय्यूब ने ये बात को समझा, अय्यूब समझ लिया। वही बात जो है देखिए 40वां अध्याय 4-5 में देखते हैं हम। देख मैं तो तुच्छ हूं, मैं तुझे क्या उत्तर दूं, मैं अपनी अंगुली दांत तले दबाता हूं। एक बार तो मैं कह चुका था परंतु और कुछ ना कहूंगा, हाँ दो बार भी मैं कह चुका परंतु अब कुछ नहीं आगे कहूंगा। देखिए देखिए यहाँ पे अय्यूब जो है एक पश्चातापी स्वभाव से, एक रियलाइजेशन, एक समझदारी से, एक समझ आ गई है उसमें। वो समझ के चलते वो कहता है कि देख मैं तो तुच्छ हूं, he is humbling himself, अपने आप को तुच्छ मान रहा है। कब मान रहा है? जब प्रभु परमेश्वर ने इन सातों जानवरों के बारे में उससे बात किया, उनके प्रति जो परमेश्वर की योजना है, प्रणाली है, वो बताया, तो तब अय्यूब समझने लगा कि मेरा क्या स्थिति है। सो जॉब ही रियलाइज्ड हिज फॉलन नेचर, ही रियलाइज्ड हिज दैट देयर इज नथिंग गुड इन हिम। प्रीवियसली हिज फ्रेंड्स कुड नॉट सी एनीथिंग गुड इन हिम, बट जॉब ही वाज सीइंग नथिंग रॉन्ग इन हिम। बट व्हेन इट कम्स टू दिस चैप्टर he is totally surrendering himself to the Lord. So similarly, क्या हमने पूरी तरह से समझ लिया है कि हम में कुछ भी अच्छा ही नहीं है, हमारा स्वभाव भ्रष्ट है, जिनका कभी सुधार नहीं हो सकता और कुछ भी अच्छाई हमसे नहीं हो सकता, और दूसरे हाथ on the other hand there is a person, there is the one who is supreme among all and there is no wrong in him and his very own son, our beloved Lord Jesus Christ, hamara prabhu parmeshwar, hamara priya prabhu parmeshwar, wo aaye jinme koi burai nahi thi, koi galtiyan nahi thi, koi paap nahi tha, paap se dur the wo, paap rahit the wo, paap unko kabhi chhu nahi sakta tha, unke samne hamara kya haal hai। So dusre haath hum dekhte hain parmeshwar जिनमें कुछ भी बुराई नहीं हो कर सक है ना ही कर सकते। ऑन द अदर हैंड वी सी गॉड द फादर हु कैन नेवर बी रॉन्ग
एंड कैन डू नो रॉन्ग. इसका मतलब हमारा मानव स्वभाव और परमेश्वर दोनों अलग अलग तट पे है. प्रभु परमेश्वर और हमारा दोनों अलग अलग. बोथ आर स्टैंडिंग ऑन द डिफरेंट बैंक्स ऑन द डिफरेंट साइड्स ऑफ ए रिवर. बट आवर सेवियर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, हमारा प्रभु यीशु मसीह इस धरती पे आके इन दोनों के बीच में मेल मिलाप कर दिया. देयर इज नन राइचियस, वचन कहता है, कोई भी धर्मी नहीं है, सभी अधर्म के तले दबे हुए हैं, केवल प्रभु परमेश्वर ही धर्मी है. हमारा प्रभु यीशु मसीह आपको और मुझको, हम सभी को लेकर उस कलवरी क्रूस के ऊपर क्षण भर के लिए, पल भर के लिए, जब पिता ने हाथ छोड़ दिया था. क्यों छोड़ा था? अपना इकलौता पुत्र का हाथ इसीलिए छोड़ा था कि वो आपका और मेरा हाथ पकड़ सके. ऐसा कुर्बानी देके हमें उनसे मेल मिलाप करवाया. सो जॉब्स रिस्पॉन्स टू हिज फर्स्ट ट्रायल्स, अगर हम पहला अध्याय 21 और 22 में देखें, पढ़े भाई जल्दी, पहला अध्याय 21 और 22 अय्यूब की किताब, पहला अध्याय 21 और 22 फटाफट पढ़िएगा. हाँ, मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला और वही नंगा लौट जाऊंगा. यहोवा ने दिया और यहोवा ने ही ले लिया, यहोवा का नाम धन्य है. इन सब बातों में भी अय्यूब ने ना तो पाप किया और ना परमेश्वर पर मूर्खता से दोष लगाया. हाँ, ये है अय्यूब के शुरुआती दिन जब शैतान सारी परीक्षाओं को अय्यूब के ऊपर ढो दिया था. तब अय्यूब का शुरुआती दिनों का, शुरुआती तकलीफों का ये उसका राय था. लेकिन जैसे जैसे आगे चला, जब उसके उसके बाद आने वाले और तकलीफों में, दूसरे अध्याय 10वां वचन में देखिए उनका प्रतिक्रिया और थोड़ा सा बदलता है. उसने उससे कहा, तू एक मूढ़ स्त्री की सी बातें करती है, क्या हम परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं दुख ना लें? इन सब बातों में भी अय्यूब ने अपने मुंह से कोई पाप नहीं किया. यहाँ पे भी अय्यूब ने कोई पाप नहीं किया. पहले वो परिस्थितियों को देखते हुए कोई पाप नहीं किया, कभी विचलित नहीं हुआ, और सभी को वो ग्रहण कर लिया. इन हिज अर्ली ट्रायल्स, इन हिज इनिशियल ट्रायल्स, when Satan troubled him, Job did not lose courage and he submitted himself to the Lord, saying that I came naked and from my mother's womb, and naked I shall return. The Lord gave and the Lord has taken away. Blessed be the name of the Lord. Prabhu Parmeshwar ke naam ke dhanya ho. Uske baad uske ardhangini, uske jeevan saathi, uski patni, जो साथ में अय्यूब के साथ साथ ये सारी तकलीफ उठा रही थी, झेल रही थी, ये ना समझे कि अय्यूब की पत्नी ऐशो आराम कर रही थी. जब उसके बच्चे मारे गए, जब उसके पति के संपत्ति का नाश हो गया, जब उसका पति के ऊपर बीमारियां आई, तो उससे अच्छा उसे देखा नहीं गया, प्रेम के चलते या किसी भी कारण उसे देखा नहीं गया. वो जब अय्यूब को सलाह देती है कि तू प्रभु परमेश्वर को बुरा भला कह और मर क्यों नहीं जाता. ऐसे हालात में भी अय्यूब का प्रतिक्रिया क्या है कि उससे कहा, तू एक मूढ़ स्त्री की जैसी बातें कर रही है, क्या हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं दुख ना ले? इन सब बातों में अय्यूब ने अपने मुंह से कोई पाप नहीं किया. ये दो संदर्भ हो गए. अभी तीसरा संदर्भ, जब उसके मित्र लोग अय्यूब की टट्ठा कर रहे थे, तब हम देखते हैं अय्यूब का प्रतिक्रिया क्या है. अय्यूब की पत्रिका 13वां अध्याय 15-16 जल्दी जल्दी पढ़े भाई. 13वां अध्याय 15-16 वह मुझे घात करेगा, मुझे कुछ ऐसा नहीं, तो भी मैं अपनी चाल चलन का पक्ष लूंगा. 16 भी,
यह भी मेरे बचाव का कारण होगा कि भक्तहीन जन उसके सामने नहीं जा सकता। जब उसके मित्र शुरुआत में, जो तीनों मित्र उसके अय्यूब के जब टट्ठा उड़ाने लगे, तब अय्यूब का प्रतिक्रिया यह था कि मैं भी मेरे बचाव का कारण होगा कौन, जो कुछ भी परिस्थितियां चल रही है, ये आजकल के जितने भी परिस्थितियां संकट में परिस्थिति चल रही है, ये सब आपके और मेरे बचाव के दिन कारण होंगे कि भक्तिहीन जन उसके सामने नहीं जा सकता, तो भी मैं अपनी चाल चलन का पक्ष लूंगा। यहाँ पे देखिए, जब उसके मित्र उसके ऊपर दोष लगा रहे थे, तब अय्यूब अपने आप को धर्मी ठहराने का कोशिश कर रहा था। यही अय्यूब जो कहा था कि मैं नंगा आया हूं, नंगा ही जाऊंगा, यही अय्यूब जो कहा था कि मैं जो क्या अच्छी चीजें हम लेंगे, बुराई छोड़ देंगे, तो यही अय्यूब यहाँ पे आके जब उसके मित्र उसे प्रताड़ित करते हैं, तब वो कह रहा है कि तो भी मैं अपनी चाल चलन का पक्ष लूंगा, यानी ही इज जस्टिफाइंग हियर। उसके बाद दूसरा उसके मित्रों का जब प्रतिक्रिया, जो दोष लगाते हैं, तो अय्यूब का प्रतिक्रिया 19वां अध्याय 25 से 27 तक हम देखते हैं। 19वां अध्याय अय्यूब की पत्री 19वां अध्याय। मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है, वह अंत में पृथ्वी पर खड़ा होगा और अपनी खाल के इस प्रकार नष्ट हो जाने के बाद भी मैं शरीर में होकर परमेश्वर का दर्शन पाऊंगा, उसका दर्शन मैं आप अपने लिए करूंगा और दूसरा नहीं, यद्यपि मेरा हृदय अंदर ही अंदर चूर चूर भी हो जाए। तो प्रभु के नाम की स्तुति हो। यहाँ पे आके फिर दोबारा प्रभु परमेश्वर के प्रति उसका ध्यान मोड़ रहा है। Now when in the fourth instance, when in the second time, when his when his friends were accusing him, at that time Job turned towards God. So प्रभु के तरफ यहाँ पे हो रहा है। तो इसके बाद में हम देखते हैं अय्यूब जो है बहुत सारा कोशिशें करते रहता है कि वो अपने आप को धर्मी ठहराया जाए। Many times Job in his tribulation, in his trials, in his problems, in his persecution, or whatever the state he was passing through, he was trying to justify himself. But when he comes to chapter 23 and verse 10, Teiswajjaya Daswa Vachan Bhai. परंतु वह जानता है कि मैं कैसी चाल चला हूं, और जब वह मुझे ता लेगा, तब मैं सोने के समान निकलूंगा। ये है इस सारा अध्याय का मूल वचन। परंतु वह जानता है कि मैं कैसी चाल चला हूं, और जब वह मुझे ता लेगा, तब मैं सोने के समान निकलूंगा। ये कितना बढ़िया सा आश्वासन है। देखिए, भले कितने भी तकलीफें हो, भले कैसे भी हालात से मैं गुजरू, भले कैसा भी हालात परिस्थितियां क्यों ना हो, जब प्रभु के योजना में मैं हूं, तो मुझे एक सोने के जैसा मुझे निखराने में प्रभु मदद करेगा। नो मैटर वॉट एवर द सर्कमस्टेंसेस भी, नो मैटर वॉट एवर द सिचुएशन में भी, नो मैटर वॉट एवर द ट्रायल्स आई एम पासिंग थ्रू, लाइक जॉब वी शुड ऑल्सो बी हैविंग ए होप। A believer's life is full of hope. So, आगे देखते हैं हम ये अय्यूब का एक बहुत ही अच्छा सा प्रतिक्रिया है। A better response. But none of these are to be compared with the few words by which he indicated in the beginning that he was greater or he was better in a better position. वो इनको हम शुरुआत में अय्यूब ने जो अपने आप को धर्मी ठहराने के लिए कोशिश कर रहा था, इन सभी को लेके हम फर्क नहीं करना चाहिए। अंत में हम देखते हैं कि अय्यूब जो है अपने आप को संभाल लिया, द स्पिरिट ऑफ गॉड वुड कैरी इट थ्रू टू कंप्लीशन। ये बात उसको समझ में आ गया कि अंत में मुझे
प्रभु ही सोने के जैसा तराशेगा, मुझे निखारेगा। When David acknowledged the depth of his sin, जब दाऊद ने अपने पाप का गहराई को पहचान लिया, तब वो पश्चाताप कर लिया और he came to see God in a new way, और अपने आप को भी एक नए तरीके से, नए सिरे से देखने लगा। वो नया सिरा क्या है? वो अपने आप को बहुत ही छोटा देखने लगा in comparison to the universe and the God infinite care everything. वो अपने आप को छोटा देखने लगा प्रभु के तुलना में, परमेश्वर के विशाल सृष्टि और उनका महिमा के तुलना में वो बहुत ही अपने आप को छोटा देखने लगा। यही चीज अय्यूब भी जो है 40 अध्याय में हमने पढ़ा था कि 14 वचन में, देख मैं तो तुच्छ मनुष्य हूँ, तुच्छ मनुष्य हूँ। He saying, Lord, behold, I am of a small account. He confessed that he was no longer justifying himself. Dear brother and sister, are we justifying ourselves in our day-to-day life? Are we saying that I am so and so? I am doing whatever God wants to me do. In many ways, I need not tell. मैं अभी यहाँ पे बताने की जरूरत नहीं है। हम अपने अंदर अपने आप को टटोले, अपने आप मनों को टटोले, हृदयों को टटोले, देखे कि क्या हम अपने आप को धर्मी ठहराने का कोशिश कर रहे हैं। He confessed and no longer he was justifying himself. उसने पश्चाताप किया और अपने आप को धर्मी ठहराने से रुक गया, खामोश रहा। He became silent on seeing God and a good God's majesty, power and wisdom. जब प्रभु परमेश्वर का महिमा, जब प्रभु परमेश्वर के शक्ति, जब प्रभु परमेश्वर का ज्ञान, सर्व ज्ञान जब देखा, वो खामोश हो गया। इसके आगे देखते हैं कि अय्यूब खामोश हो जाता है और परमेश्वर का अंतिम पाठ अय्यूब के लिए क्या था कि वो है उसका परमेश्वर का उद्देश्य, God's purpose in final lesson. The job is to deepen the impressions already made upon him. उसके ऊपर जो प्रभाव पड़े थे प्रभु परमेश्वर का, क्या था प्रभु परमेश्वर का प्रभाव या प्रतिक्रिया, इंप्रेशन क्या था? पहला ही अध्याय में हम देखते हैं, पहला ही अध्याय में हम देखते हैं कि ये कौन सा वचन है, जब प्रभु परमेश्वर जो है शैतान के साथ शर्त लगाता है। हाँ, 8 वचन में देखिए, यहोवा ने शैतान से पूछा, हाँ, क्या तू मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। प्रभु के नाम की स्तुति हो। दिस वॉज द इम्प्रेशन God was having towards Job. What is the impression God is having towards you and me? ये सोच महान परमेश्वर, शक्तिशाली परमेश्वर, सर्वज्ञानी परमेश्वर अय्यूब के प्रति रख रहा था। अय्यूब के प्रति था उनका ये सोच, उनका ये रवैया। आपके और मेरे प्रति क्या रवैया है प्रभु परमेश्वर का? His authority over creation creatures that defy man's control. दूसरा देखते हैं हम, परमेश्वर का जो अधिकारिता है वो मनुष्य का नियंत्रण को रोक देता है, नकार देता है। मनुष्य कुछ भी नहीं कर सकता, प्रभु सब कुछ कर सकता है। Thirdly we see that God speaking or challenging Job through force of his creation. 40 अध्याय 6 से लेके 24 तक आप लोग पढ़ लीजिए। इसमें देखते हैं कि प्रभु परमेश्वर जो है अय्यूब से, अय्यूब के साथ एक चैलेंज, यानी एक क्या कहते हैं, एक चैलेंज दे रहा है अय्यूब को, उनका 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 जो सृष्टि के ताकत लेते हुए चुनौती दे रहा है। तो प्रिय भाइयों बहनों, हमारा महान परमेश्वर आपको और मुझको भी चुनौती दे रहे हैं दैनंदिक जीवन में। डे टू डे लाइफ वी सी मेनी थिंग्स विच आर हैपनिंग विच आर बियॉन्ड आर कंट्रोल। गॉड इज आस्किंग, आर यू इन कंट्रोल ऑफ देम?
प्रभु पूछता है क्या तुम उनके तुम्हारे नियंत्रण में है। एक साधारण सा चीजें जो हमारे इर्द गिर्द में घूम रहे हैं, पंछियां उड़ रही है, क्या उनको हम खाना दे सकते हैं? श्वास ले रहे हो, पता नहीं कितने गैलन, कितने टन और टन हवा हम एक दिन में सांस ले रहे हैं, हम श्वास अपना ले रहे हैं, क्या यह श्वास लेना तुम्हारा नियंत्रण में है? इज योर वेरी ओन ब्रीदिंग इज इन योर कंट्रोल? भले कितना ही प्रोन एक्सरसाइज क्यों ना बताया जाए ये कोविड के चलते, इज इट इन योर कंट्रोल? गुड गॉड इज आस्किंग इज इट इन योर कंट्रोल? गॉड इज एक्नॉलेजिंग मैन, मैन हैज डिफरेंट पैरामीटर्स, मनुष्य के पास अलग अलग परिमाण है। चौदवा वचन देके 40वां अध्याय का 14, तब मैं भी तेरे विषय में मान लूंगा कि तेरा ही दाहिना हाथ तेरा उद्धार कर सकता है। इफ यू आर केपेबल ऑफ डूइंग ऑल दीज थिंग्स विच आई हैव डन, परमेश्वर बोलता है कि मैंने जो कुछ तुझे बताया अब तक अय्यूब से, अगर ये सब चीजें तू कर सकता है तो मैं मान लूंगा कि तेरा उद्धार भी तू खुद कर सकता है। ये सब चीजें हमारे इसमें नहीं है, हमारे नियंत्रण में नहीं है। वी आर हेल्पलेस, वी डोंट हैव एनीथिंग इन आवर हैंड्स, वी कैनॉट सेव आवर सेल्फ, वी नीडेड अ सेवियर, वी नीड समवन टू सेव अस। गॉड नोस आवर वीकनेस, ही सेंट हिज ओनली बिगॉटन सन टू सेव यू एंड मी, एंड नाउ ऑल्सो ही इज टेकिंग केयर ऑफ यू बाय कीपिंग हिज स्पिरिट इन एंड यू इन यू एंड इन मी, विच इज 24/7 एवरी मोमेंट ऑफ आवर लाइफ इज टेकिंग केयर ऑफ अस। 24 घंटे सातों दिन हर पल हर घड़ी पवित्रात्मा परमेश्वर आपका और मेरा सुधी ले रहे हैं। प्रभु परमेश्वर महान है, कितना महान प्रेम है उनका, कितना महान ख्याल है उनका, कितना महान सुरक्षा है। गॉड अगेन शोइंग टू डेंजरस बीस्ट्स एग्जांपल, 15 और 14, 24 तक देखेंगे तो जो भयानक जानवरों को दिखाया गया वो उसके बारे में अभी मैं उल्लेख नहीं करूंगा, समय नहीं है, आप लोग पढ़ लेना। उसके जरिए भी कई सवाल करते हैं, कई सवाल करते हुए अय्यूब को सिखा रहा है। अंत में प्रभु परमेश्वर का प्रश्न है, यह प्रश्न अय्यूब के लिए है और हमारे लिए भी है। द कंक्लूडिंग वर्ड्स ऑफ दिस चैप्टर, 24वां भाग अगर देखते हैं हम, चौबीस में क्या लिखा है, जब वह चौकस हो तब क्या कोई उसको पकड़ सकेगा या फंदे लगाकर उसको नाथ सकेगा। द कंक्लूडिंग वर्ड्स ऑफ दिस चैप्टर हैव गिवन द एम्प्लीफाइड आंसर्स आल्सो। सो ये जो जानवर दिन के बारे में अंत में लिया गया ये बहुत ही भयानक है, तो इनको अगर आप नियंत्रण में ले सकते हो, प्रभु का कहना है, तो तुम अपने आप को भी नियंत्रण में ले सकते हो। एंड नाउ जॉब, जॉब कहता है हु आर यू, who dares not to arouse the unmastered crocodile? तो इसीलिए प्रभु परमेश्वर आज आपसे और मुझसे पूछते हैं कि तुम्हारी क्षमता क्या है, मेरी क्षमता क्या है, क्या तुम मेरी क्षमता से आगे हो, क्या आप और मैं प्रभु परमेश्वर की क्षमता से आगे है? आर वी ग्रेटर देन द केपेबिलिटी ऑफ आर सुप्रीम गॉड? इन नो वे वी आर, वी आर मीक एंड टिमिड creation. We need to submit ourselves. May the Holy Spirit God lead us to have the same response which Job had. Prabhu Parmeshwar apne atma se hame chalaye, apne vachan ke zariye